हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। देखिए, टेलीकॉम की थर्ड बिग कंपनी है जो खुद को इस कोशिश में लगा रखी है कि जिंदा रह सकें, वेंटिलेटर पर चल रही है, इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए और वो फंडिंग की तलाश में है, बट फंडिंग मिल नहीं पा रही है। स्टॉक का नाम क्या है कमेंट में जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन कौन सही जवाब दे पाता है। सबका सवाल एक ही है, मल्टी बैगर बनेगा क्या, क्योंकि 7 रुपये के रेट पर है। रिटेलर की पोजीशन यस बैंक के बाद इस शेयर में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जो डेटा कहता है उसके अनुसार। तो जल्दी से कमेंट में नाम तो बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है लास्ट तक की जर्नी, जहां पर हम आपको बताने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, खरीदना है नहीं खरीदना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। तो देखिए, इस स्टॉक में जब भी गुड न्यूज़ आती है स्टॉक अप जाने लगता है और बैड न्यूज़ आने पर स्टॉक गिरने लगता है। 4 रुपये से 16 रुपये के बीच में घूमता है, जिसमें 16 रुपये एक ही बार गया था। अगर हम ईमानदारी से कहें तो 4 रुपये से 10-12 रुपये के बीच में घूमता रहता है, अभी 7 रुपये पे चल रहा है। अभी 2 न्यूज़ आई है, एक गुड न्यूज़ दूसरी बैड न्यूज़, दोनों इन्वेस्टर को समझना ज़रूरी है और फिर लास्ट में हम बताएंगे कि भाई तू मल्टीबैगर है कि नहीं है। एक चीज़ ये होती है ना कि कंपनी को पता ही नहीं है मल्टीबैगर है या नहीं है, दूसरे उसको बनाने में लग सकते हैं, तो सच क्या है जानते हैं। गुड न्यूज़ से शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, मज़ा आ जाए। और एक गुड न्यूज़ और बता देते हैं कि 25 मई से शुरू होने जा रहा है हमारा नया बैच स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास का, जहां अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं, मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपको सिखाएंगे प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, 5 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बहुत कुछ हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ, रिवीजन सेशन के साथ, स्टडी मटेरियल, स्टॉक स्क्रीनर, ट्रेडिंग जनरल, बहुत कुछ मिलने वाला है, जहां पर आप कैश फ्यूचर ऑप्शन, जी हां ऑप्शन, साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, आप सबको ऑप्शन पसंद है, ऑप्शन भी कर सकते हैं। उसके बाद इंट्राडे स्विंग पोजिशनल, जो मन वो कर सकते हैं। यहां पर जो सबसे प्यारी चीज़ है, लेडीज, आर्मी पर्सन, सीनियर सिटीजन, सबको डिस्काउंट मिलेगा। 9708094321 पे आप कॉल कर सकते हैं और सीट बुक कर सकते हैं। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि कुमार मंगलम बिरला की करीब 2 साल बाद बोर्ड में एंट्री हुई है। आप कहोगे ये क्या है कहानी एंट्री, तो देखिए, कुमार मंगलम बिरला 2 साल पहले 2021 में चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिए थे और इसके बाद तो भैया बिकवाली शुरू हो गई थी। लगा कि भैया जब खुद राजा ही मैदान छोड़ के जा रहा है तो क्या होने वाला है, और उसके बाद रिजल्ट भी आते चले गए बहुत ख़राब। 31 मार्च 2023 को 5.70 रुपये के भाव पर आ गया था, जो साल का लोएस्ट लेवल था। लेकिन अब कुमार मंगलम बिरला के बोर्ड में एडिशनल डायरेक्टर के तौर पर लौटने से इन्वेस्टर को बड़ी ही खुशी हुई है और शेयर 10% वापस से चढ़े। ये जिस दिन न्यूज़ आई मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, आज की नहीं, क्योंकि मुझे पूरी समरी को मिलाना है। वैसे आप सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया कैश की प्रॉब्लम से जूझ रही है, उसे हर कुछ को आगे बढ़ाने के लिए, 5G में जाने के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए, हर एक काम के लिए पैसे चाहिए। इसीलिए मैंने क्या बोला था, वेंटिलेटर पर है। पिछली कई तिमाही से इसका मार्केट शेयर सिकुड़ रहा है, यानी क्लाइंट इनके छोड़ के इनको जा रहे हैं, क्लाइंट छोड़ के जा रहे हैं, तो सब्सक्राइबर बेस घट रहा है। करेक्ट है, सब्सक्राइबर बेस घटेगा तो मार्केट क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। तो $200 करोड़ के बकाये को फरवरी में सरकार की इक्विटी में हिस्सेदारी में बदलने से पहले वोडाफोन आइडिया पर 2.23 लाख करोड़ का नेट कर्ज था। अब ये वाली कहानी में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको सिर्फ शॉर्ट में हम ये बताते हैं कि सरकार की इसमें मेजोरिटी हिस्सेदारी है, ये कर्ज में थे और आज के डेट में उस कर्ज को फिर इन्होंने इक्विटी में बदल दिया था सरकार के सपोर्ट के कारण। ठीक है, तो 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही टेलीकॉम कंपनियों के लिए बेल आउट पैकेज किया था और उसके तहत अपने बकाये को इक्विटी में बदलने की सहूलियत दी थी। ठीक है, तो ये वो न्यूज़ है जिससे लोगों को लगा कि अच्छे दिन आ गए, बट अच्छे दिन तो आए नहीं। ये कई सारी कहानियां होती क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ठीक है, अब हम आते हैं बिग बैड न्यूज़ पर जिसके कारण शेयर में गिरावट आई। यहाँ पर यही चीज़ को मैं लास्ट में बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा, जो हर रिटेल भाई को समझना ज़रूरी है कि सडनली क्या होता है, गुड न्यूज़ आती है तो उनको लगता है मैं कहीं पीछे ना रह जाऊँ, वो चढ़ के खरीद लेते हैं। बैड न्यूज़ आती है तो कहीं लगता है मैं पीछे ना रह जाऊं, भैया बेच दो नहीं तो और ना जाने कितना गिर जाएगा, वो बेच देते हैं। जिस चीज़ को मुझे कवर करना है लास्ट में, और वो बहुत ही अनदर लेवल का होगा समरी के साथ में, कि हम वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो यहाँ पर अब बिग बैड न्यूज़ आई कि जो इनकी पेरेंट कंपनी है उनका स्टेटमेंट,
पेरेंट कंपनी वोडाफोन का कहना है कि भैया वोडाफोन आइडिया में इनके इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू जीरो है, जीरो अंडा, और ऐसे में वोडाफोन आइडिया से कोई घाटा नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि जो भारतीय टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया है उनको लेंडर्स से अतिरिक्त लिक्विडिटी सपोर्ट की ज़रूरत बनी हुई है, जो मैंने कहा कि इनके पास कैश क्रंच है, कैश की प्रॉब्लम है। इन्होंने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 की शुरुआती रिजल्ट में आगे कहा कि वोडाफोन आइडिया पर जो देनदारियां बची हैं, जो कर्ज हैं, जो पैसा देना है, उसका पेमेंट करने की क्षमता पे भैया क्वेश्चन मार्क है, दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, कई कहानियां हैं जो 100% मुश्किल है। वोडाफोन ग्रुप ने यह भी कहा कि उनकी तरफ से 31 मार्च 2023 तक कोई भी कैश पेमेंट नहीं किया गया है, ये पेरेंट कंपनी कह रही है। ग्रुप के मुताबिक वोडाफोन आइडिया में इसकी देनदारी को लेकर इसके एक्सपोजर पर कैप लगा दिया गया है और इसके चलते भारत में इसके ऑपरेशन में एकाएक आने वाली देनदारियों को लेकर कोई सूचना नहीं दी जा रही है। अब आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, बड़ी टेक्निकल है, मैंगो पीपल के अंदाज में समझा दो, तो वो भी समझा देते हैं कि भैया वोडाफोन PLC जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट जारी किए और उसमें तीन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर डाले। उन्होंने साफ साफ कहा कि भैया हमने जो पेरेंट कंपनी है उसने वोडाफोन आइडिया से किनारा कर लिया है और कहा कि मार्च 2023 के बाद से वोडाफोन आइडिया की कोई भी लायबिलिटी नहीं उठाएंगे, ध्यान से कोई लायबिलिटी नहीं उठाएंगे, कंपनी 31 मार्च 2023 के बाद किसी भी पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी भी पेमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं है, यानी कुछ भी आए भैया हमको कोई लेना देना नहीं है। तो वोडाफोन PLC अपने नतीजों में जानकारी देते हुए कहा कि वोडाफोन PLC ने वोडाफोन आइडिया में अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को जीरो कर दिया है, यानी भैया अब हम ना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, ना हमको कोई लायबिलिटी से लेना देना है, हम हर तरह से दूर बैठे हैं, यानी जो उनकी कोई भी लॉन्ग टर्म देनदारी यानी कर्ज है उससे कोई लेना दे, कोई क्लेम करेगा तो वोडाफोन PLC पे नहीं करेगा। और उन्होंने ये भी कह दिया कि हम वोडाफोन आइडिया में किसी तरह के कैश कंपोनेंट को नहीं डालेंगे, अगर कैश की जरूरत आएगी, चाहे कंपनी बंद हो जाए, ताला लग जाए, बिक जाए, हम कोई पैसा नहीं डालेंगे, क्योंकि इनकी देनदारियां इतनी बढ़ गई हैं, कर्ज इतनी बढ़ गई है कि भैया मुश्किल है अब संभालना, अब पानी सर के ऊपर से आ चुका है और भविष्य में भी कंपनी को इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने वाला है, एंड ड्यू टू दैट रीज़न हम हो रहे हैं अलग। तो ये थी दूसरी बिग बैड न्यूज़ की भैया पेरेंट कंपनी हो गई बाहर। यहाँ पर अगर वोडाफोन आइडिया के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है, जो मैंने सबसे शुरू में बताया था कि उस समय सरकार ने स्कीम लाई थी सर्वाइवल के लिए, जिसके कारण ऐसा हुआ, तो उनकी हिस्सेदारी 33.4% है। ब्रिटेन के वोडाफोन की 31% है, जो पेरेंट कंपनी है, जो अब कह रही है टाटा बाय बाय। ग्रासिम इंडस्ट्री की हिस्सेदारी 6.8% है, हिंडाल्गो की 1.5% है, और इस साल फरवरी 2003 में ही ये हिस्सेदारी हुई थी, जो 16,133 करोड़ के बकाए को इक्विटी शेयर में बदल दिया गया था। अब नजर यह है कि देश में 5G जो पूरी तरीके से लागू हो रहा है, उससे पहले कंपनी कैसे पैसे लाएगी। कंपनी लंबे समय से कोशिश में लगी है बट पैसे अभी तक नहीं आए हैं। बस पॉजिटिव अब जो सिर्फ एक है वो है खुद बिरला की बोर्ड में वापसी, कुमार मंगलम बिरला कुछ ऐसा मैजिक क्रिएट करें तो कुछ हो सके। बट याद रखना इस बात में, इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यस बैंक में जब SBI के चेयरमैन आए उन्होंने मैजिक क्रिएट किया, डूबे हुए यस बैंक को निकाला, बट कहानी इतनी गड़बड़ है कि अभी तक यस बैंक क्या हुआ, रिटर्न दे दिया नहीं दिया ना, मल्टी मेगर बन गया नहीं ना, तो दिक्कत क्या है, क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम दूर करके पहली कहानी है उसको सर्वाइवल पे लाना, ध्यान से सुनिएगा, उसको किस चीज पे लाना, सर्वाइवल पे लाना कि जिससे सर्वाइव कर सके। तो कुमार मंगलम बिरला कुछ भी जादू की छड़ी घुमाएंगे तो भी उसको पहले सबसे पहले सर्वाइवल लेवल पे लेके आएंगे, यानी वापस से 2-3 साल तक अगर कुछ भी ये सर्वाइव होती है, वेंटिलेटर से उठती है, तो वेंटिलेटर से उठेगा मरीज तुरंत तो एकदम जॉगिंग करना शुरू नहीं कर देगा, बॉडी बिल्डर तो नहीं बन जाएगा, सेम कहानी यहां पर होने वाली है। इससे बेहतर एग्जांपल मैं कुछ दूसरा नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि वेंटिलेटर से एक इंसान की रिकवरी को आप अगर जिस तरीके से देखते हो, उस तरीके से आप यहां पर यह समझ सकते हो कि कोई डॉक्टर, जादुई डॉक्टर आया है जिसका नाम कुमार मंगलम बिरला है, वो इलाज करेंगे और भगवान ने चाहा, सपोर्ट मिला, तो वो इंसान उस तरीके से बढ़ेगा, क्योंकि लगातार क्या हो रही है, कस्टमर की संख्या घट रही है, कस्टमर की संख्या घट रही है यानी इनकम घट रही है, मार्जिन घटेंगे। तो यहां पर
लॉस बढ़ता चला जाएगा, पैसा है ही नहीं, नुकसान पे नुकसान तो होगा कहाँ पे। तो ये सारा मामला इस तरीके से वोडाफोन आइडिया का। तो भैया जिनको लगता है कि ये वाली बात कि ये मल्टीपैकर, तो रातों रात तो भूल जाएं, इसमें उतना ही पैसा डालें जितना डूब जाए तो तकलीफ ना हो। ये एकदम खुली बात बोलता हूँ, डूब जाए तो तकलीफ ना हो, उतना ही पैसा डालो, उसके अलावा दिमाग ही ना लगाओ। और रोज रोज तो देखो ही ना, क्योंकि रोज नई कहानी, रोज नया न्यूज, गुड न्यूज बैड न्यूज, गुड न्यूज बैड न्यूज चलता रहेगा और आपका बीपी धक 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 करता रहेगा। उस कंडीशन में कुछ भी होगा, और हमने वो पैसा डाला जो डूब जाए तो तकलीफ ना हो, तो देखो 5 साल के बाद, 2 साल तो बोल ही नहीं रहा। एग्जाम्पल भी येस बैंक का बता दिया, एग्जाम्पल भी वेंटिलेटर के मरीज का बता दिया। तो ऐसा करोगे तो ही है, अदरवाइज पूरा पैसा डाल दिया एक पेनी में तो बस पेनी पेन देता है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आई, तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।